हेलो दोस्तों, तो प्रसाद जी के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपका लोअर पीसीएस का, ठीक है ना, लोअर पीसीएस 2021 का एग्ज़ाम उत्तराखंड का, ठीक है ना, उत्तराखंड का। चलिए चलो फिर स्टार्ट करें फिर। चलो हमारा पहला प्रश्न देखते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं ना। तो देखो हमारा पहला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया है, ठीक है, आपको बताना है। तो देखो करंट अफेयर क्या ही डिस्कस करें, ठीक है ना, 2021 की है ये। फिर भी इसमें जो आपका सही आंसर होगा वह होगा लद्दाख, ठीक है। तो देखो दूसरा प्रश्न देखो फिर, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना वह होगा आपका, भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है, राज्य विधान परिषद को, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो देखो करंट को हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो फिर राज्य विधान परिषद, इसकी बात आई है तो थोड़ा जान लेते हैं फिर। तो देखो एक होता है आपका राज्य विधानमंडल, ठीक है ना, राज्य विधानमंडल, यहाँ पे को लिख दे रहा हूँ विधानमंडल, विधान मंडल, ठीक है ना, ये हो गया आपका विधानमंडल, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो, स्टेट लेजिस्लेटिव बोलते हो, क्या बोलते हो, स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव, स्पेलिंग पूरी आएगी नहीं, ठीक है ना, LE यहाँ पे लिख दे रहा हूँ GISLA, लेजिस्लेटिव, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव, LATIV, लेजिस्लेटिव। चलो ये तो मैं इंग्लिश वाले सेक्शन में आ गया ऐसा लग रहा है। चलो इतना आप समझ गए होंगे। चलो फिर देखो जो आपके विधान मंडल है, विधान मंडल कैसे बनता है इसको समझना है, ठीक है ना। जहाँ जहाँ आपकी जो है विधान परिषद है, विधान परिषद किन किन राज्यों में, देखो 6 राज्यों में है आपकी, ठीक है ना। देखो जो विधानमंडल को समझना होता क्या है यार, विधानमंडल, विधानमंडल होता है ना, विधानमंडल प्रत्येक राज्य में, ठीक है ना, संविधान के प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है हमारे लिए, ठीक है ना। तो देखो विधानमंडल के अंदर ही आते हैं आपके विधानसभा हो गई, विधानमंडल हो गए, राज्यपाल हो गए, ये सभी इनको मिला के ही बनता है, समझना। अभी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। जैसे 6 राज्यों में मैं आपके बता रहा था कि विधान परिषद है, कौन कौन से राज्यों में, भैया बिहार हो गया, ठीक है ना, यूपी हो गया, ठीक है, कर्नाटक हो गया, और महाराष्ट्र हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया, और आपके तेलंगाना हो गया, ये 6 राज्य हो गए, गिन लो आप ये आपके 6 राज्य हो गए, ठीक है। तो अब देखो इन 6 राज्यों में विधानमंडल का गठन कैसे होता है, कलर चेंज करके मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये लिखा है विधानमंडल, इसको ध्यान में रखना, ये मैंने ऐसे कर दिया, ये लगा दिया। अब इन 6 राज्यों में विधानमंडल का जो गठन होता है वो होता है, पहले होंगे आपके राज्यपाल, ठीक है, फिर दूसरे में होंगे आपके कौन, राज्यपाल, विधानसभा, ठीक है ना, विधानसभा, और फिर यहाँ पे आएंगे आपके, यहाँ पे जगह बच नहीं रही है तो इसको मैं यहाँ पे को लिख देता हूँ विधान परिषद, ठीक है ना, समझ जाना आप, लेख मेरी वैसे ही थोड़ी बहुत ख़राब है, विधान परिषद, ठीक है ना, क्योंकि मैं हाथ से ही लिख रहा हूँ ना, पेन जो है वो मेरी ख़राब हो चुकी है। तो देखो विधान परिषद इन 3 चीज़ों से बनता है भैया, 6 राज्यों में जहाँ जहाँ आपका विधान परिषद है वहाँ विधानमंडल इन 3 चीज़ों से बनता है आपका, ठीक है। चलिए अब बात आएगी, आप कहोगे सर अगर जहाँ विधान परिषद नहीं है वहाँ फिर इन 6 राज्यों को छोड़ के वहाँ कैसे बनती है आपके विधानमंडल। तो देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको मिटा दूँ फिर 6 राज्य। चलो आप समझ गए होगे, वैसे तो आप काफ़ी समझदार हो। तो देखो ये मीडिया है आपका, चलो फिर वे स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, विधानमंडल हो गया हमारा। तो अब देखते हैं 6 राज्यों के अलावा क्या स्थिति है भैया, ठीक है ना। तो देखो मैं आराम से पढ़ाता हूँ, अगर किसी को लग रहा होगा कि हाँ सर बहुत ही ज़्यादा आराम से पढ़ा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, आपको पूरा अधिकार है अपनी परेशानी रखने का कमेंट बॉक्स में। तो देखो इसके अलावा 6 राज्यों में जो है कैसे होता है विधानमंडल का गठन, वो होता है राज्यपाल,
राज्यपाल, ठीक है ना, राज्यपाल, और आपका विधान परि विधानसभा से, विधानसभा से, ठीक है, किससे, विधानसभा से, समझ गए इतनी चीज़ें आप? चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें, ठीक है। तो देखो फिर, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी बहुत जल्दी से, क्योंकि एक क्वेश्चन में हमने बहुत ज़्यादा समय दे दिया, ठीक है, विधान परिषद की, ठीक है। विधान परिषद क्या होता है भैया? इसको आप इंग्लिश में कहते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हो, ठीक है। तो देखो, विधान परिषद होता क्या है? विधान परिषद राज्य विधानमंडल का एक उच्च सदन होता है। आप क्या कह दोगे? एक कि विधान परिषद राज्य विधानमंडल का एक उच्च सदन होता है, ठीक है ना। अभी जहाँ जहाँ आपके 6 राज्यों में ना, 6 राज्यों में आपकी विधान परिषद है, जैसे, ठीक है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। और संसद को यह अधिकार होता है कि वह किसी राज्य की विधान परिषद का मतलब सृजन कर सकता है, ठीक है। विधान परिषद का क्या सृजन कर सकता है? कौन? संसद, ठीक है ना। संसद जो है सृजन कर सकता है, और उसमें सृजन करने के लिए कानून बना सकती है, ठीक है ना, कानून बना सकती है। इतना भी आपने ध्यान में रखना। अब देखो फिर, अब होता क्या है, जो ये विधान परिषद है ना, इस विधान परिषद को अनुच्छेद भी बता दे रहा हूँ, आपसे कभी कभार पूछा जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 169, 169, ठीक है ना, 169 के तहत जो भी आपकी विधान परिषद है, ठीक है ना, विधान परिषद को क्या संसद द्वारा, संसद द्वारा समाप्त किया जा सकता है, ठीक है ना, समाप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो, मैंने पूरा नहीं लिखा है तो आप समझ जाना, लेकिन ध्यान से सुनना, ठीक है ना। क्या? अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधान परिषद को भैया आपका जो है समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, लेकिन क्या है भैया, भंग नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलो, आशा कर रहा हूँ इसे आप समझ रहे होगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, सर तो जो है आपके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का क्या? तो देखो, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का क्या होता है ना, यहीं से देख लो, ये दो हैं, कलर चेंज करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, मैं सोचता हूँ आप जैसे ही हो आप समझ जाएं बस चीज़ों को। ये हो गई आपकी राज्य विधानसभा, ये हो गई आपकी लोकसभा। अब देखो, इन दोनों को ना, इन दोनों को भंग तो किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, ठीक है ना, किया जा सकता है, लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। और वहीं पर जो आपके ये राज्य विधान परिषद है, इसे भी है, इसे भैया आप क्या कर सकते हो, भंग नहीं कर सकते हो, लेकिन समाप्त कर सकते हो, ठीक है ना, समाप्त कर सकते हो, किसके द्वारा भैया? संसद के द्वारा। चलो, आशा करता हूँ आप इसे समझे होगे। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर, ठीक है ना। हमारा तीसरा प्रश्न है, तो देखो आज जितने प्रश्न हमसे हो पाए, वरना इसके मैं पार्ट लेके आऊँगा, क्योंकि जब मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ ना, तो एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा समय ले लेती है हमारा, ठीक है। तो मैं इसे क्या करूँगा ना, पार्ट में लेके आऊँगा, क्योंकि अगर मैं पूरे प्रश्न एक ही वीडियो में कराऊँगा ना, वैसे मैं पूरा पेपर हल कराऊँगा आपको रीजनिंग के साथ, तो अगर मैं एक ही वीडियो में आपका ये सभी करा दूँ तो मेरी वीडियो लगभग चली जाएगी 3-4 घंटे के पास, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, क्योंकि फिर बच्चे जो है 3-4 घंटे बैठ नहीं पाते हैं। तो मैं इसे ऐसे तोड़ तोड़ के पार्ट में लेके आऊँगा, ठीक है, 4 पार्ट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, इसे ख़त्म कर ही देंगे, मतलब 4 पार्ट में, ठीक है। चलो, हमारा अगला प्रश्न है कि न्यायालय निम्न में से किस रीट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई, समझ गए भैया। तो इसका जो सही आंसर है ना, वो है आपका अधिकार पृच्छलेख। क्या है इसका सही आंसर? अधिकार पृच्छलेख, इसे आप क्वा वारंटो भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो, ये है इसका, आपको जब यहाँ पे देख लिया अधिकारी नहीं है, तो अब अगर कोई ऐसी तुक्का मारने वाला भी होगा तो अधिकार पृच्छलेख शायद लगा देगा, ठीक है ना, अभी इन पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, होता क्या अधिकार पृच्छलेख, ठीक है ना, इसे कहते हैं आप क्वा वारंटो, ठीक है। चलो, ये हो गई स्पेलिंग,
देखो चलो फिर, तो देखो इसको आप क्या कहते हो, जो भी अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पे बैठा हुआ है ना, अवैधानिक रूप से, इसे भी समझना है, अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन कोई व्यक्ति है, उसके खिलाफ, इसके उसके मतलब विरुद्ध इसे जारी किया जाता है, समझ गए? चलो इसे मैं पूरा नहीं लिखूंगा, यहाँ पे समझ लेना, अवैधानिक, अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध इसे जारी किया जाता है, किसे? अधिकार पृच्छ लेख को, ठीक है ना? तो आप इसे समझ जाएंगे। अब देख लो फिर होता क्या है, इसका आर्टिकल भी देखेंगे अभी। तो देखो परमादेश, परमादेश लेख होता क्या है, इसे भी समझ लो एक बार। देखो परमादेश जो होता है ना, वो होता है न्यायालय, एक अधिकारी जो आपका न्यायालय है ना, लय जो आपका न्यायालय है, वह अधिकारी को एक आदेश देती है कि उस कार्य को करें जो उसके क्षेत्र के अधिकार के अंतर्गत आता हो, ठीक है ना? मान लो एक अधिकारी है, वो कहीं जाके कुछ भी कर दे रहा है, ठीक है ना? मतलब अपनी जो उसको उसके क्षेत्र के अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है, वो काम भी कर दे रहा है, तो क्या होगा उस पर? भैया न्यायालय एक परमादेश जारी करेगा, परमादेश लेख जारी करेगा कि हाँ भैया जो तुम्हारे अधिकार के अंतर्गत आता है ना, उसी को करो, ठीक है ना? उसी क्षेत्र में जाओ, तुम तो कहीं भी चल दे रहे हो, कुछ भी कर दे रहे हो, ठीक है? तो इसको ऐसे समझ लो, ठीक है, आसान भाषा में। तो अब देखो फिर, अब अगर मैं बात करूँ आपके, जो आपका भारतीय संविधान है, ठीक है ना, भारतीय संविधान द्वारा, देखो ये हो गया भारतीय, भारतीय संविधान, लिख के बताता हूँ, ठीक है ना? कुछ चीज़ें आपके लिए कठिन हो जाएंगी। भारतीय संविधान, जो आपका भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान द्वारा जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है ना, सर्वोच्च, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, और जो आपका उच्च न्यायालय है, ठीक है ना, और जो आपका उच्च न्यायालय है, ठीक है ना, जो आपका उच्च न्यायालय है, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या किया है भैया? भारतीय संविधान ने किया है, ठीक है ना? भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और आपके जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या जारी करते हैं भैया? क्या जारी करते हैं अधिकारों की रक्षा करने के लिए? अभी क्या बोला था मैंने, यहाँ पे लेख जारी करते हैं, ठीक है ना? अधिकारों की रक्षा जारी करने के लिए लेख, और क्या जारी करेंगे? लेख जारी करते हैं, निर्देश जारी करते हैं और आदेश जारी करते हैं, ठीक है ना? आदेश जारी करते हैं, आदेश जारी करने का भैया अधिकार है, ठीक है ना? चलो अब देखो फिर, इतना आप समझ गए, अब और देखते हैं फिर। जो देखो इसी के तहत देखना, हम सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना, जो भी आपके मैंने क्या बोला था कि भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय हो गया आपका और उच्च न्यायालय हो गया, इनके अधिकारों की रक्षा के लिए लेख, निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है। तो देखो सर्वोच्च न्यायालय का जो है ना, सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं उसको, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय, ठीक है? चलो कभी कभार पेन नहीं चलती है ना, तो देखो क्योंकि हाथ से लिख रहा हूँ, हाथ में पसीना होता है ना, तो ये रुक जाती है। तो देखो सर्वोच्च न्यायालय, तो अनुच्छेद याद रख लेना, ठीक है ना? अनुच्छेद होता है आपका इसमें 226, तो उच्च न्यायालय का होता है, 32, अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकती है आप, ठीक है ना, तहत, ठीक है ना, क्या जारी कर सकते हैं भैया? रिट जारी कर सकते हैं, रिट, ठीक है ना? चलो अब देखो फिर दूसरा आर्टिकल भी याद रख लो, ये तो सर्वोच्च न्यायालय का हो गया, और उच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय, ठीक है ना, उच्च न्यायालय का, तो देखो उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226, 226 के तहत जो है वो रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है ना, रिट जारी कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। चलो ये हो गई कुछ बातें, ठीक है, समझ चुके हो गए आप? चलो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, स्वतंत्र हैं आप। तो देखो चौथा प्रश्न देखते हैं आप,
निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है? नियामक का मतलब क्या होता है भैया? यहाँ पे इंग्लिश में देख लो आप, अगर आपको देखो नहीं आती है ना कुछ चीज़ें तो आप इंग्लिश में देख लेना। नियामक, नियामक मतलब नियम, ठीक है ना, रेगुलेटरी बॉडी बोलती हो आप इसे, देख लेना ऊपर इंग्लिश में देखना, रेगुलेटरी बॉडी होगा कहीं चौथा चौथा, ये देखो रेगुलेटरी बॉडी। जब आपको हिंदी में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ना अब तुरंत जाके देख लिया करो, बहुत इजी हो जाता है फिर आपके लिए। चलो इसको हल करते हैं। फिर नियामक संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद, गलत। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, गलत। स्टील अथॉरिटी, गलत। सिक्योरिटी एक्सचेंज, ये भी है नियामक है, ठीक है ना। आपने देखा होगा सेबी को, ठीक है ना। सेबी क्या करती है, जितने भी आपके नियम कानून हैं सेबी बनाती है। अगर आप कभी शेयर्स में पैसा वैसा लगाते होगे तो आपको पता होगा क्या है सेबी, ठीक है ना, और सेबी की अथॉरिटी क्या क्या है, ठीक है। चलो ये फिर मैं अलग टॉपिक से भटक जाऊंगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कौन कौन सी आपकी संस्थाएं हैं, ठीक है। तो देख लो आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है आपकी, यानी एक नियामक संस्था है। यहाँ पे लिखा है आपका नियामक संस्था, यहाँ पे लिख लेते हैं आरबीआई, ठीक है ना। अब फुल फॉर्म मैं नहीं बताऊंगा आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वैसे नहीं बताऊंगा, कह दिया लेकिन बता दी, ये चीज़ें आसान है। आरबीआई की फुल फॉर्म, सेबी की तो लिखी है फुल फॉर्म, ठीक है। चलो नाबार्ड, आप ये चीज़ें पढ़ते ही आ रहे हो तो मैं फुल फॉर्म नहीं बताऊँगा, ठीक है ना। बार्ड हो गया, नाबार्ड, नाबार्ड, ठीक है ना, नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, ये सभी क्या है, एक नियामक संस्था है, ठीक है ना। सिडबी, सिडबी हो गया, ठीक है ना। एनबीएच हो गया, एनबीएच हो गया, एनएचबी, एनएचबी हो गया आपका, ठीक है ना। ट्राई हो गया, ठीक है ना। टेलीकॉम, TRAI हो गया, ठीक है। चलो और कौन कौन सी संस्था, आप माइंड में जल्दी जल्दी सोचो और कौन कौन सी संस्था हो सकती है, ठीक है ना, जो भैया एक क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है, यानी एक नियामक संस्था है। ICC भी है आपकी एक नियामक संस्था, और कौन सी, BCCI भी एक नियामक ही संस्था है, ठीक है ना, BCCI। चलो ये ICCI का मतलब आप गलत मत ले जाना है, इसका मतलब है इंडियन केमिकल काउंसिल, ठीक है ना। क्या है, इंडियन केमिकल काउंसिल है इसका मतलब, कहीं आप क्रिकेट की ओर लेके चले गए, ठीक है। चलो तो देखो एक है आपका EPFO, ठीक है ना, आप अगर काम करते हैं तो आपका PF कटता ही कटता होगा। तो ये EPFO क्या है, एक नियामक संस्था है, इतना भी आपने याद रखना है। और भी हैं आपकी नियामक संस्था, ठीक है, अभी माइंड में इतनी आ रही है। चलो फिर अब देखते हैं आगे की ओर। तो देखो फिर जो हमारा पांचवा प्रश्न है वो हमसे क्या कह रहा है, तो हमारा पांचवा प्रश्न हमसे कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है, जिला नियोजन समिति। तो देखो जिला नियोजन समिति होती क्या है, ठीक है ना, ये भैया आपके जो है पंचायतों और जो भी नगर पालिकाओं को देखती है, ठीक है ना। और इसको एक विकास योजना के रूप में हर राज्यों में, मतलब आपकी जिला नियोजन समिति होती है, ठीक है, हर राज्यों में मिलेगी आपको जिला नियोजन समिति, ठीक है, हर राज्यों के मतलब सभी जिलों में। जिला नियोजन समिति है तो जिलों में होगी ना, सभी जिलों में मिलेगी आपको, ठीक है ना, जितने भी आपके पंचायत के तथा नगर पालिकाओं को ये देखती है, ठीक है ना, उनके विकास को एक योजना के रूप में देखती है। चलो इतना आप समझ चुके होंगे। तो इसका जो आर्टिकल है वो है भैया अनुच्छेद 243 ZD, ठीक है। चलो इतना आप समझ गए। तो देखो सिंपल सा था, आप अगर ये आपको याद भी नहीं था ना तो आप यहाँ से कट करके कर सकते थे। अनुच्छेद 356 क्या है भैया, सीधी सी बात होगी, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो ये तो होगा नहीं जिला नियोजन समिति, तो कट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। और अनुच्छेद 362 क्या आपका, ये 26वां संशोधन हुआ था इसमें, ठीक है ना, जितने भी आपकी भारतीय रियासतें थी, ठीक है, उनको जो विशेषाधिकार दिए थे ना उनको समाप्त कर दिया था अनुच्छेद 362 में, तो ये भी नहीं होगा। अनुच्छेद 368 क्या है भैया, अनुच्छेद 368 क्या है,
तो इसमें जो है संसद को संविधान द्वारा जितने भी आपके संशोधन हैं ठीक है ना, प्रक्रियाओं का संशोधन करने की मतलब शक्तियाँ प्रदान है ठीक है ना, संशोधन करने की, तो ये भी नहीं होगा, ये तो संशोधन करने की शक्तियाँ दे रहा है ठीक है ना। अनुच्छेद भाग 20 में है ये, भाग 20 में, चलो ये भी मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, चलो समझ गए। तो देखो ये तीन कट हो गए, तो आपका सीधा सा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया ठीक है, अगर आपको इतना याद नहीं था। चलो अब देखो, फिर समझ चुके हो गए आप, तो अब बढ़ें फिर अगले प्रश्न की ओर। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, देखो 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है। 124वां संवैधानिक संशोधन, तो आप सभी को पता ही, न्यूज़ में भी काफ़ी रहा था ठीक है ना, न्यूज़ में काफ़ी रहा था, क्योंकि ये था आपका आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात चल रही थी ठीक है ना, मेरे ख्याल से 2019 में पारित हुआ था और काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये ठीक है ना। चलो लोकसभा में ये 2019 में पारित हुआ था। चलो तो क्या है इसमें सही आंसर है आपका, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात की गई है भैया आपके अनुच्छेद 124 में ठीक है ना, मतलब संवैधानिक संशोधन किया गया था ठीक है ना। चलो आशा कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, तो क्योंकि न्यूज़ में बहुत रहा था नहीं। तो देखो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था, किया गया ठीक है, 12वीं अनुसूची। तो देखो 11वीं तो आपकी 73वीं है ठीक है ना, 11वीं अनुसूची, और जो 12वीं अनुसूची है वो 74वां है ठीक है। चलो अब है क्या ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखो 74वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था, यहाँ पे डेट भी याद लग रहा, 1993 में, 1993 में हुआ था आपका ठीक है ना। तो संवैधानिक संशोधन हुआ भैया, इसमें क्या किया गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, रुको कलर चेंज कर देता हूँ फिर बताता हूँ, 12वीं अनुसूची आपकी जो है जोड़ी गई, और क्या किया गया, जो भी आपकी नगर पालिकाएँ हैं, हिंदी में लिखता हूँ, जो भी आपकी नगर पालिकाएँ हैं और जो भी आपके नगर निगम हैं ठीक है ना, पालिका पूरा ही लिख देता हूँ चलो, और जो भी आपके नगर निगम हैं, नगर निगम है ठीक है ना, नगर निगम और परिषदों को से जितने भी आपके प्रावधान किए गए इसमें ठीक है ना, इनके लिए प्रावधान किए गए ठीक है ना, किन से संबंधित है भैया, यह नगर निगम और नगर पालिका उनसे ठीक है। चलो तभी आपने याद में रखना है। और बात आती है 73वें की, तो 73 भी आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। तो देखो 73वां में क्या किया गया था, ये हुआ था आपका 1992 में ठीक है ना, 1992 में। तो देखो 73वें संविधान संशोधन में क्या होता है, 11वीं अनुसूची जोड़ते हैं आपका, और जो भी आपकी पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था, इसको क्या होता है भैया, एक संवैधानिक दर्जा मिलता है ठीक है ना, संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। चलो ये हो गई कुछ बातें, और लेख काफी खराब है तो आप समझ जाना, ध्यान से सुनना ठीक है ना। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है आपकी कैग की ठीक है ना, कैग की बात चल रही है। तो देखो कैग क्या है, एक आपकी स्वतंत्र संस्था है ठीक है ना, स्वतंत्र संस्था है, इस पर भैया सरकार का तो नियंत्रण नहीं होता है ठीक है, सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, इतना भी आपने याद रखना है ठीक है। और यह जो अपनी रिपोर्ट है, यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, किसको सौंपते हैं भैया, राष्ट्रपति को सौंपते हैं, अगर बात आती है भारत सरकार की रिपोर्ट की ठीक है ना। चलो अभी मैं इसको समझाऊंगा, पहले इसमें उत्तर देख लो आप, इसका जो उत्तर सही उत्तर है आप समझ गए होगे जब मैंने कह दिया, तो भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं अपनी रिपोर्ट ठीक है ना, वार्षिक जो भी आपका प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं ठीक है। जब बात आती है आपकी भारत सरकार की, भारत सरकार की, और जब राज्य सरकार का जो रिपोर्ट है वो सौंपते हैं, तो राज्य सरकार की वो सौंपते हैं आपके राज्यपाल को, राज्यपाल को, इतना भी आपने याद में रखना है ठीक है ना, राज्यपाल को, जो कैग होते हैं ना कैग, तो ये क्या करते हैं ना, किसी भी सरकारी विभाग की भी है जांच कर सकते हैं ठीक है, आप इतना सा समझ जाइए ठीक है। और कैग की नियुक्ति कौन करते हैं,
कैग की जो नियुक्ति करते हैं, कैग की नियुक्ति भी आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है ना। कैग का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। चलो इतनी डिटेल बहुत है, ठीक है, क्योंकि जो है टाइमिंग हमारी बढ़ती जा रही है। तो देखो कलर चेंज करके बताता हूँ। प्रश्न 9वां है आपका, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है, आपको बताना है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है ना। तो आप सीधे से बता दोगे भैया केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। काफ़ी बार आ गया ये प्रश्न, ठीक है, अब इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो देखो अगला है आपका, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, देखो ये करंट का है प्रश्न है, फिर भी इसमें देख लेते हैं आंसर। 2021 का है, सर्वोच्च स्थान भारतीय राज्य में सर्व सतत विकास में मेरे ख्याल से केरल रहा था, ठीक है ना, इसको आप क्रॉस चेक कर लेना, वैसे भी करंट का प्रश्न है ये, ठीक है। चलो तो अब है हमारा अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न। तो 11वां प्रश्न अभी है, सरकारी आयोग का मुख्य कार्य था, ठीक है ना। तो देखो सरकारी आयोग का जो मुख्य कार्य था, ये आयोग आपका बैठा था ना कि न्यायाधीश, ठीक है ना, जब आपके, चलो वो तो अलग बात है, मैं कुछ और कह रहा हूँ केंद्र। तो देखो अभी बताता हूँ मैं आपसे क्या कह रहा था, केंद्र और राज्य के संबंध को, केंद्र और राज्य के संबंध को मतलब संबंधों के लिए बैठा था ये। तो इसमें दिख रहा है आपको कहीं केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण, ठीक है भैया, आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब देखो मैं क्या कह रहा था उस समय, मैं ये कह रहा था कि जो आपके न्यायाधीश सरकारी जी हैं उनकी तो मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, ये मैं आपको पहले ही मेरे माइंड में आ गया था कि हाँ इनकी तो मृत्यु हो जाती है। तो इनका जैसे ही आपका निधन होता है, मतलब इनका निधन होता है, तो MS पुंछी आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है ना, MS पुंछी आयोग का गठन किया जाता है, इतना भी आपने याद में रखना है, पूछ लिया जाता है कई बार। चलो तो हमारा जो 12वां प्रश्न है वह है कि UNDP की मानव, फिर से करंट का प्रश्न आ गया भैया, ठीक है ना, HRD 2020 विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या था, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका सही आंसर था वह हो जाएगा, UNDP की रिपोर्ट है ना 2020। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर था वो था 131, ठीक है ना, ये तो मेरे को याद है अच्छे से, तो बाकी फिर भी आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन, चलो ये भी हमारा लगभग लगभग मैं बात कर रहा हूँ, क्रॉस चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए 301 मिलियन टन, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषता है। तो देखो बात आई है आपके खुले बाजार की क्रियाएं, यानी आप ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात हो रही है, ठीक है ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है भैया OMO, ठीक है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये किसका हिस्सा होती है, ये होती है आपकी मौद्रिक नीति का हिस्सा, ठीक है ना, मौद्रिक नीति का हिस्सा होती है। आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा कि जब एक आपकी मौद्रिक नीति का हिस्सा होता, आपने कभी देखा है कि मनी सप्लाई का विस्तार हो जाता है, ठीक है ना, मनी सप्लाई के विस्तार को बढ़ाने के लिए RBI क्या करता है ना, सिक्योरिटीज़ खरीदने लग जाता है, ठीक है ना, उसी को हम कह देते हैं भैया ओपन मार्केट। इसको आप नहीं समझोगे ऐसे, तो देखो और अच्छे से समझता और अच्छे से समझाता हूँ मतलब। तो देखो बाजार होता है ना आपका, जैसे ही उसमें तरलता बढ़ने या घटने लगती है, ऐसे समझो इसको, ठीक है ना, तरलता बढ़ने या घटने लगती है, तो RBI क्या करता है ना, RBI कहता है भैया अब मेरे को एक मतलब मेंटेनेंस बनाना है फिर मार्केट में, ठीक है ना, वरना क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है ना, महंगाइयाँ बढ़ जाएंगी, तो मेरे को एक मतलब स्थिरता रखनी है मार्केट में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जितनी भी भारतीय सरकार की सिक्योरिटीज़ होती हैं, सिक्योरिटीज़ को आप हिंदी में क्या कहते हो, प्रतिभूतियाँ, ठीक है ना, सिक्योरिटीज़ होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, जितने भी राजकोष चालान होते हैं, ठीक है ना, उन्हें खुले बाजार में चलाया जाता है, ठीक है ना, समझ गए, उसी को हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। चलो आशा करता हूँ इसे आप समझे होगे, वरना कभी डिटेल में आपको इसे पढ़ाया जाएगा।
ठीक है, अभी तो हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं, डिटेल में पढ़ाने को बैठेंगे तो ये पूरा आपका यही समय खा जाएगा। ठीक है, फिर आप कहोगे सर आप बेकार पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो ये। ठीक है, तो देखो हमारा जो 15वां प्रश्न है वह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन शुरू किया गया था। तो इसको शुरू किया गया था भैया आपके अक्टूबर 2007 में आपका प्रारंभ हुआ था, तो शुद्ध 2007 आपका एक ही दिख रहा है, तो 2007-08 कर दो, ठीक है ना। अक्टूबर 2007 में ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। चलो इसमें क्या था, सिंपल सी बात है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, इसमें क्या हुआ था ना, जितने भी आपके गेहूँ चावल और दालों हैं इसके उत्पादन को बढ़ाने का मतलब एक मिशन रखा गया था, ठीक है ना। और भी थे मिशन कि यहाँ कृषि की भूमि का विस्तार करना, ठीक है ना, और भी कई चीज़ें थी इसमें, ठीक है। चलो इतना भी आपने याद में रखना है। आप देखो आगे है आपका तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर थी। तो देखो तेंदुलकर समिति जो वो मतलब ये क्यों बैठाई गई थी, ठीक है ना, तेंदुलकर समिति जो बैठाई गई थी, वो बैठाई गई थी भैया कि हाँ जितने भी गरीबी में रह रहे लोग हैं ना उनकी संख्या का अनुमान लगाने के लिए इसी का गठन किया गया था आपका तेंदुलकर समिति का, ठीक है। सीधा सा समझ लो सन 2009 में मेरे ख्याल से समिति बैठी थी, नहीं हाँ सन 2009 में ही बैठी थी, ठीक है, फिर भी क्रॉस चेक कर लेना है एक बार। चलो वैसे 2009 मेरे ख्याल से पक्का है, ठीक है ना, चलो पक्का ही कर लो, याद आ गया 2009 ही है, ठीक है। चलो फिर तो देखो 2011-12 के लिए गरीबी दर थी, तो इसमें जो आपकी दर थी ना वो थी 21.92%, मतलब 21.92%, ठीक है। चलो अब पैमाना देखो फिर कैसे नापा, पैमाना की अगर मैं बात करूँ एक बता दे रहा हूँ आपको कि जो भी ग्रामीण इलाके हैं ना, ग्रामीण इलाकों में क्या बोला गया, जो 816 रुपये प्रति व्यक्ति, ठीक है ना, मतलब एक व्यक्ति, ठीक है ना, प्रति माह एक महीने में उपभोग करता है, ठीक है ना, उपभोग करने वाला व्यक्ति है वो भैया गरीबी रेखा से नीचे आएगा, ठीक है ना, ऐसा ही कुछ पैमाना रखा गया था, ठीक है। चलो इतना भी आपने याद में रखना है। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा जो 17वां प्रश्न है, तो हमारा 17वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है। सर्वोत्तम की बात चल रही है भैया, तो देखो वो है आपका एंथ्रासाइट, ठीक है ना। आप सभी को ये प्रश्न रटा होगा, इसमें ये उच्च गुणवत्ता का कोयला है, ठीक है ना। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है भैया, अगर मैं बात करूँ कार्बन की मात्रा की, तो 94-98% होती है इसमें आपके कार्बन की मात्रा, ठीक है ना। फिर इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद जो आता है ये तो पहले नंबर पे हो गया। चलो पहले नंबर में यहाँ पे मैं पहला लिख देता हूँ, ठीक है, पहले नंबर पे। तो अब दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, देखो दूसरे नंबर पे आता है आपका बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिनस ये हो गया, ये हो गया आपका दूसरे नंबर पे, ठीक है, दूसरे नंबर पे। तो देखो इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है भैया, इसमें कार्बन की मात्रा होती है आपकी 78-86%, 78-86%। तो देखो जो जितना मतलब बेकार कोयला होगा ना उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए ख़राब होगा, ये आप सभी को पता है। तो तीसरे नंबर पे आता है हमारा लिग्नाइट, लिग्नाइट कलर चेंज करके बताता हूँ, ये हो गया हमारा तीसरे नंबर का, ठीक है, तीसरे नंबर का। लिग्नाइट में क्या प्रतिशत होता है भैया कार्बन का, 28-30% होता है लगभग, ठीक है ना, 28-30% कर लो इसे, 30%, ठीक है, होता है भैया कार्बन की मात्रा। और फिर लास्ट में जो सबसे बेकार कोयला है भैया वह होता है हमारा पीट, ठीक है ना, मतलब पिट गया है ये, तो पीट होता है, इसमें लगभग कार्बन की मात्रा होती है 27% से भी कम, और ये सबसे बेकार होता है भैया हमारे स्वास्थ्य के लिए। चलो समझ गए। अब देखो निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है ना, सर्वाधिक उपयुक्त है। कपास की खेती की बात आई है तो आप सीधा सा कह देंगे भैया कौन सी है, वो काली मिट्टी है। काली मिट्टी को ये आप क्या कह देते हो, रेगूर मिट्टी भी कहते हो, रेगूर
मिट्टी के नाम से भी जानते होंगे, ठीक है ना। इसमें जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं होता, अधिक नहीं होता है, मतलब होता है अधिक नहीं होता है, इसमें अधिक होता है आपका लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, चूना, एलुमिना, ये अधिक होता है, ठीक है ना। चलो तो यहीं पे एक और मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि मिट्टी के प्रकार देख लो, ठीक है। आपको प्रकार तो दिख ही रहे होंगे, यहाँ पे लिख भी दिए हैं, ठीक है ना। कुछ चार तो हैं यहाँ पे, चलो और भी देख लेते हैं फिर। देखो जिसे आप जलोढ़ मिट्टी कहते हो ना, इस जलोढ़ मिट्टी को और क्या कहते हैं ये समझ लो, कछार मिट्टी, ठीक है ना। कछार मिट्टी भी कहते हो आप इसे, पहले नंबर पे इसे रख लो, फिर दूसरे नंबर पे रख लो चलो काली मिट्टी को। काली मिट्टी इसको आप क्या कहते हो, रेगूर मिट्टी, ठीक है ना, रेगूर मिट्टी भी इसको आप कहते हो। तीसरे नंबर पे भैया लाल मिट्टी रख लो, ठीक है ना। और एक और होती है आपकी, ठीक है, शुष्क मिट्टी, शुष्क मिट्टी होती है, लैटेराइट मिट्टी होती है, ये सभी भी आपने याद में रखनी है। चलो फिर बढ़े आगे की ओर। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है, ठीक है ना, 2011 की बात चल रही है, तो इसमें थी आपकी ऑप्शन नंबर डी 74.04, ठीक है ना, 2011 में थी। और चलो एक और बात, पता है आपको जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कितनी थी हमारी साक्षरता दर, वो थी हमारी 18%, जब हम आज़ाद हुए थे, ठीक है ना। चलो फिर आप बढ़ते हैं आगे की ओर, मतलब कहने का मतलब है 1947 में, हाँ कुछ कुछ बच्चे नहीं भी समझ रहे होंगे, ठीक है, फिर वो कहेंगे कि ये सर ने क्या बता दिया, कंफ्यूज करके रख दिया है, ठीक है। तो देखो फिर अब बढ़ते हैं 20वां प्रश्न देखते हैं। तो हमारा 20वां प्रश्न है कि मुख्य केंद्रीय छेद पृथक करता है, मुख्य केंद्रीय छेद पृथक करता है वाली बात हुई है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपको ऑप्शन नंबर सी, वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय, ठीक है ना। आप देखो जो मुख्य केंद्रीय छेद है वो है कहाँ पे, ये हो गया सबसे ऊपर आपका, अभी मैं नक्शा नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि स्क्रीन पे वैसे भी फिट नहीं आएगा, कैसे छोटा नक्शा बना दूँ क्या, नहीं चलो नक्शा ऐसे ही समझ जाओगे आप, समझदार हो। ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है ना, ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। फिर ये हो गया आपका एक और हिमालय, ट्रांस के बाद कौन सा आता है भैया, बृहद, ठीक है ना, बृहद हिमालय आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कौन सा आता है आपका, कलर चेंज करके बताता हूँ, चलो इसके बाद आता है आपका लघु, लघु जिसे आप मध्य हिमालय भी कहते हो, मध्य, ठीक है ना, मध्य हिमालय, ठीक है ना, मध्य हिमालय, इसको आप लघु भी कहते हो, ठीक है, कन्फ्यूज मत करना। और फिर इसके बाद आता है आपका कौन सा हिमालय, शिवालिक, इसके बाद आती है भैया आपकी शिवालिक, ठीक है ना, शिवालिक मतलब आप पहले यहाँ पे पहुँचोगे स्टार्टिंग पॉइंट में, फिर यहाँ पे और ऊंचा, फिर यहाँ पे और ऊंचा, वैसे ये ट्रांस हिमालय पूरा नहीं है, ठीक है ना, ये ऐसे जाता है फिर ऐसे समाप्त हो जाता है, क्योंकि बृहद हिमालय ऐसे जाता है फिर आगे तक, ठीक है। कभी हिमालय पर अगर मैं वीडियो लाऊँगा तब समझाऊँगा, ऐसे आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। चलो आप देखो फिर, तो देखो यहाँ पे आता है आपका जो है मुख्य केंद्रीय छेद जो पृथक करता है, ठीक है। चलो आप समझ गए, आशा करता हूँ इसे आप समझे होंगे। अब देखो फिर अब बात करते हैं हम आपके निम्न, चलो आज 20 प्रश्न करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, तो आज 20 प्रश्न करते हैं। 21वां प्रश्न मैं आपको बोनस के तौर पर बता दे रहा हूँ। निम्न में से संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था की बात चल रही है, ठीक है ना, जो संविधान में है भैया, ठीक है ना। चलो तो देखो ये तो नहीं है, अनुदान आयोग है ही नहीं, ठीक है ना, इसकी बात संविधान में कहाँ की गई है, प्रतिस्पर्धा नहीं है, विद्युत नहीं है, भारत निर्वाचन आयोग हाँ भैया है ना, चलो इसके अनुच्छेद बताना आप मेरे को, ठीक है। चलो फिर वीडियो यहीं पर करते हैं आपके समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अगर थोड़ा बहुत भी ज्ञान आपको प्राप्त हुआ होगा तो, ठीक है ना, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। चलिए फिर धन्यवाद।